हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो चना चाट बनने वाला है आज मेरे किचन में। तो क्या करते हैं रेसिपी, चलिए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बना रही हूँ चना चाट, जिसके लिए मैंने सब्जियाँ कट कर ली है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, कैप्सिकम लिया है यानी शिमला मिर्ची, प्याज लिए हैं, लहसुन अदरक और आलू लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि क्रिस्पी बने आलू, खाने में तभी क्रंची लगेंगे। आप उबले आलू भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो तला हुआ आलू रहता है तो थोड़ा क्रिस्पी लगता है और खाने में अच्छा स्वाद आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आलू एकदम क्रिस्पी करारे हो चुके हैं, आप सुन सकते हैं इनका वॉल्यूम। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, एकदम पक चुके हैं ये। तो कुछ इस तरह से आलू फ्राई हो चुके हैं। तो चलो आगे की तैयारी कर लें। फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में मैंने तेल कम करके अभी डाल दिया है अदरक और लहसुन डाल रही हूँ मैं, साथ ही कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मेरा फेवरेट मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ, आपको लगता है तो डाले, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अच्छे से भून लेते हैं इसे थोड़ा। सब्जियों को हल्का सा भून लेना है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं कुछ प्याज डाल दे रही हूँ कटे हुए बारीक बारीक, और उसी साथ में डाल रही हूँ टमाटर, अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। तो मैं इसी में चना डाल दे रही हूँ अब। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ काले वाले चने लिए हैं, जिसे मैंने उबाल लिया था कुकर में, 3 सीटी लगाए थे इसके। देखो ये अच्छे से उबल चुके हैं, चने मेरे पहले से बॉइल्ड है, पक चुके हैं, तो ज्यादा पकाना नहीं है मुझे। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं 1 चम्मच धनिया डाल दे रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया मैंने, और इसी में हल्दी डाल दे रही हूँ। साथ ही साथ हमें काली मिर्च पाउडर डालना है और गरम मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच, और अभी ही नमक डाल दे रही हूँ मैं, स्वाद अनुसार मैंने नमक ले लिया है। अब चला लेना है अच्छे से। आधा कप इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ पकने के लिए, अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी। 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, पानी सूखने तक इसे पकाना है, जो इसका पानी मैंने डाला है ना उसे सूखा लेना है अच्छे से। तो ढक दे रही हूँ मैं अब। देखिए चना कुक हो चुका है अच्छे से और इसका पानी सूख गया है। तो इसी स्टेज पे हम ये आलू डालेंगे। ये देखिए आलू मैंने डाल दिया है, और साथ ही साथ में हल्का सा और टमाटर डाल दूंगी इसी में, और प्याज भी डाल दूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस आखिरी में ये मैंने धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। तो इसी स्टेज पे हमें गैस बंद कर देना है। तो चलिए ये सर्व कर लेते हैं। इसे मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो ये हेल्दी सा नाश्ता तैयार हो गया है, में भरपूर पोषण है, हेल्दी हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया है। तो दोस्तों, ये आखिरी स्टेज पे मैं हल्का सा इससे प्याज डाल रही हूँ, और साथ ही साथ मैं टमाटर डाल रही हूँ टेस्ट बढ़ाने के लिए, और हल्की सी धनिया स्प्रिंकल कर देना है। तो देखिए चाट मसाला तैयार हो जाएगा, और मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नींबू से तो टेस्ट एकदम बढ़ जाता है, मुंह में पानी आने लगता है। नींबू भी डाल दिया है मैंने, और यही पे चाट मसाला, बिना तो चाट अधूरा ही है। तो हल्का सा चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। तो यहीं पे मेरे पास कुछ भुजिया है, तो भुजिया भी मैंने डाल दिया है। तो ये चाट मसाला रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मेरी अगली रेसिपी की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो जो घंटी है ना टन टन, उसे बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रख